अब ये अभिषेक करने के बाद फिर गंधोदक लेते हैं। गंधोदक का मंत्र क्या है? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशकम। और एक पक्ष वाले लोग कहते हैं ये गंधा उदक, गंदा उदक, गंधोदक को गंदा उदक बोलते हैं, मजाक उड़ाते उसकी, अभिषेक की भी, गंधोदक की भी, चंदन की, सबकी। लेकिन मैं कहता हूं गंधोदक क्या चीज है? उदक तो सामान्य होता है, उदक तो सामान्य जल का नाम है, उदक संस्कृत में जल, उदक, पानी, अंबू, ये सब उसके नाम है। तो उदक का अर्थ होता है क्षीरोदक, गंधोदक तो उदक है जल का नाम। वो जल भगवान के ऊपर जो डाला गया, वो छू गया जो भगवान से जल, वो भगवान से छूने के बाद भगवान के गुणों की उसमें गंध आ गई। क्या आ गई? गंध। बस अरे कुछ बदबू आ रहे हैं, खुशबू और बदबू। जो पानी अगर गुलाब के फूल से निकल जाए तो उसमें भी थोड़ी ना थोड़ी गुलाब की, कमल के फूल पर चले जाए तो बूंद मोती जैसे चमकने लगती है। इसी तरीके से जो जल भगवान के ऊपर से गिरता है, उनके गुणों की गंध और 64 रिद्धियों की गंध उसमें आ जाती है। अब 64 रिद्धि कौन कौन सी होती है? नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं, नहीं बताओ तो। अरे केवल ज्ञान तो ठीक है, रिद्धि नित्य प्रकंपाद्भुत केवल उघाय, अरे वो तो उसमें से पढ़ के बता रहा है वो काका। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ये रिद्धियों का वर्णन षटखंड आगम की 9वीं पुस्तक में सूत्र लिखे गए 48। महदि महावीर वड्डमानम बुद्धि ऋष्णुचेदि नमोत्तुदे नमोत्तुदे नमोत्तुदे, नमो जिनानम से शुरू होता है, नमो जिनानम, नमो ओही जिनानम, नमो सब्बो ही जिनानम, नमो परमो ही जिनानम, नमो, ये ऐसे करके। तो फिर इसके बाद फिर पूरे ज्ञान बुद्धि रिद्धि एक, चारण रिद्धि दो, इसके उपरांत तपोरिद्धि तीन, ऐसे करके सारी रिद्धियां कलम कर। कमलाकर जी बुरे, कितनी रिद्धि हो जाती है? 64 रिद्धि। उन 64 रिद्धियों का प्रभाव उस जल पर आ चुका है, क्योंकि भगवान का शरीर परमौदारिक शरीर होता है और उस शरीर में ही इतनी तेज प्रभाव होती है कि रात और दिन का भेद मिट जाता है। न रात में चंद्रमा की जरूरत होती है, न दिन में सूर्य की जरूरत होती है, क्योंकि भगवान का इतना तेज प्रभाव। ये प्रभाव सच में होता होगा कि वैसे ही बोल रहे? तुमने देखा है किसी ने? नहीं देखा, फिर कैसे बोल रहे तुम लोग? मैं होता है ना, तुमने वो प्रभाव नहीं देखा, हमने तो कुछ देखा है। अपन ने आचार्य विद्यासागर जी को देखा और उनका शरीर की तेज को देखा है, क्योंकि एक अपने पास तेजस शरीर होता है और वो तेजस शरीर में से किरणें निकलती हैं, जिसको ओरा बोलते हैं। ओरा पढ़ा ना तुम लोगों ने? ओरा, और ओरा को उसमें कलर होते हैं, जिसे लेशिया बोलते हैं।
और भगवान के पास शुक्लेलेश्या होती है और वो भी शुक्लेलेश्या परम शुक्लेलेश्या हो जाती है और परम शुक्लेलेश्या होने के कारण से उनके शरीर से ही इतना तेज होता है कि दिन और रात का भेद समाप्त हो जाता है। और समोसरण की एक विशेषता है, ये अतिशय है, उन अतिशयों में एक अतिशय। अब अपन ने कहां देखा है, पर ये जब देखेंगे तो उस समय आपका मन मुग्ध हो जाएगा। ऐसे भगवान के जल जो अभिषेक का निकला वो निर्मल है और निर्मल करने वाला है। निर्मलम निर्मिली करणम।